नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर। तो हम लोग को सबको पता है कैंसर जो भी टाइप का कैंसर होगा सबके लिए मोस्ट कॉमन जो जो है मेनली रेडिएशन थेरापी, केमोथेरापी एंड सर्जरी, सबके लिए ये तीन मैनेजमेंट होगा ही, और उसके साथ तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इज रेडिएशन थेरापी। रेडिएशन थेरापी एलोन, रेडिएशन थेरापी इज यूज्ड एलोन फॉर स्मॉल ट्यूमर्स और फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट हैव सर्जरी। तो रेडिएशन थेरापी ओनली दे सकते हैं तभी जब ट्यूमर जो है वो स्मॉल है और पेशेंट सर्जरी नहीं कर पाएगा, तभी हम लोग रेडिएशन थेरापी दे सकते हैं एलोन। एंड रेडिएशन थेरापी कॉम्बाइंड विथ सर्जरी, रेडिएशन थेरापी मे बी यूज टू श्रिंक ए लार्ज ट्यूमर बिफोर सर्जरी और टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल दैट मे रिमेन इन द एरिया आफ्टर सर्जरी। इफ ए ट्यूमर ग्रोज बैक आफ्टर सर्जरी इट इज ऑफन ट्रीटेड विद द रेडिएशन। तो रेडिएशन थेरेपी कॉम्बाइन कभी कभी रेडिएशन थेरेपी सर्जरी के साथ साथ दे सकते हैं, क्योंकि सर्जरी के पहले ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा था और सर्जरी करके निकालना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तब रेडिएशन थेरेपी दे के ट्यूमर का साइज थोड़ा कम करके उसके बाद ही सर्जरी करना पड़ता है। और कभी कभी सर्जरी के बाद भी रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी बहुत सारा ट्यूमर और कैंसर का सेल वहाँ पे रह जाता है, तो वो कैंसरस सेल वहाँ पे रहने के वजह से वो मेटास्टेसिस करके और भी ऑर्गन में जा सकता है और वहाँ पे भी ग्रोथ भी हो सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आफ्टर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेडिएशन थेरेपी कॉम्बाइंड विथ केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में भी यूज बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर केमोथेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी केमोथेरेपी के साथ साथ भी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी मेनली केमोथेरेपी के पहले और केमोथेरेपी के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सर्जरी, व्हाट आर द सर्जरी यूज इन द लैरिंजियल कैंसर। तो इन द सर्जरी इन द ऑपरेशन इन व्हिच डॉक्टर रिमूव्स द कैंसर यूजिंग ए स्कैल्पेल और लेजर वाइल द पेशेंट इज एस्लीप। When patient needs surgery, the type of operation depends mainly on the size, exact location of the tumor. Surgery is a common treatment for all stages of laryngeal cancer. The following surgical procedure may be used. तो mainly surgery जो है, surgery करके mainly जो cancerous cell है उसको remove करना है। तो surgery depend करता है tumor का size कितना है, tumor कहाँ पे हुआ है, उसके ऊपर depend करके कैंसर का बहुत टाइप का सर्जरी हो सकता है। तो फर्स्ट इज सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी। तो सुप्राग्लॉटिक लीजन में किसी का ट्यूमर है तो थ्रू सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी क्या करते हैं, वहाँ पे जो ट्यूमर है उसको निकालना पड़ता है। मेनली हायोड बोन, ग्लॉटिस एंड फॉल्स कॉर्ड आर रिमूव। ये सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी में हायोड बोन, ग्लॉटिस एंड फॉल्स कॉर्ड जो है वो रिमूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेमी लैरिंजेक्टोमी। ए हेमी लैरिंजेक्टोमी इज परफॉर्म व्हेन द ट्यूमर एक्सटेंड बियॉन्ड द वोकल कॉर्ड बट इज लेस दैन 1 सेंटीमीटर इन साइज एंड इज लिमिटेड टू द सब ग्लॉटिक एरिया। ए हेमी लैरिंजेक्टोमी सेव्स द वॉइस। तो हेमी लैरिंजेक्टोमी कब करना पड़ता है, जब ट्यूमर वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर लिया है बट ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर से कम है, तब मेनली हेमी लैरिंजेक्टोमी करना पड़ता है। तो हेमी लैरिंजेक्टोमी करने के बाद पर्सन जो है उसका वॉइस भी हम लोग सेव कर पाते हैं। और भी बहुत टाइप का लैरिंजेक्टोमी है, पार्शियल लैरिंजेक्टोमी है, टोटल लैरिंजेक्टोमी है, देख लेना कौन सा लैरिंजेक्टोमी में कौन सा पार्ट रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, और भी है कॉर्डेक्टोमी, सर्जरी टू रिमूव द वोकल कॉर्ड ओनली। तो कॉर्डेक्टोमी करके हम लोग क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड को ओनली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। थायरॉयडेक्टोमी, द रिमूवल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो जब ये लैरिंग्स में जो कैंसर हो रहा है वो कैंसर थायरॉयड ग्लैंड को इन्वॉल्व कर लेगा, तो थ्रू थायरॉयडेक्टोमी हम लोग होल थायरॉयड ग्लैंड को भी रिमूव कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है थायरॉयड ग्लैंड का वो पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेजर सर्जरी, ए सर्जिकल प्रोसीड्योर दैट यूजेस ए लेजर बीम एज ए नाइफ टू मेक ब्लडलेस कट इन टिश्यूज और टू रिमूव ए सर्फेस लेशन सच एज ए ट्यूमर। तो लेजर सर्जरी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इज ड्यूरिंग सर्जरी फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, द सर्जन मे नीड टू मेक ए स्टोमा ट्रैकियोस्टोमी। द स्टोमा इज न्यू एयरवे थ्रू एन ओपनिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक।
एयर एंटर्स एंड लीव्स द विंड पाइप ट्राकिया एंड लंग्स थ्रू दिस ओपनिंग. ए ट्राकियोस्टोमी ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रैक ट्यूब keeps the new airway open. For many patients, the stoma is temporary. It is needed only until the patient recovers from surgery. After surgery, some people may need to temporary feeding tube. तो क्या सबको पता होगा ट्राकियोस्टोमी ट्यूब क्या है, ट्राकियोस्टोमी क्या है. आई थिंक तुम लोगों का क्लास हो गया है इसके ऊपर. तो मेनली क्या करता है, सर्जरी होने के बाद उससे रिकवरी करने से पहले, तो सर्जरी तो हो गया है तो ऐसा कंडीशन में उसके उससे रिकवरी करने के लिए लैरिंग्स में मेनली एक स्टोमा करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राकियोस्टोमी. और वहाँ पे ट्राकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है एयर लंग में जाता है थ्रू इनहेलेशन और थ्रू एक्सहेलेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड है थ्रू स्टोमा वो बाहर में निकल जाता है. ठीक है, वो टेम्पोरारी होता है. ठीक है, कभी कभी सर्जरी के बाद में क्या होता है, पेशेंट खाना नहीं खा पाता है, थ्रू मुंह से खाना नहीं खा पाता है ओरल रूट से, तब टेम्पोरारी फीडिंग ट्यूब भी हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, एक पिक्चर देख लो कहाँ पे ट्राकियोस्टोमी करना पड़ता है. देखो यहाँ पे लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है वोकल कॉर्ड, तो ये प्री ऑपरेटिव कंडीशन है. तो ऐसा कंडीशन में उसका लैरिंग्स में और वोकल कॉर्ड में उसका कैंसर हुआ है, तो थ्रू ऑपरेशन क्या करना है, ये वो निकालना है, जिसके और निकाल के रिमूव कर देना है. और यहाँ पे मेनली लैरिंग्स में क्या करना है, एक ओपनिंग करना है, उसको बोलते हैं स्टोमा. और यहाँ पे एक ट्राकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ होता है, थ्रू ये टेम्पोरारी होता है. ये ट्राकियोस्टोमी ट्यूब से मेनली एयर लंग में जाता है और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स है निकाल के थ्रू बाहर में आ जाता है. पहले देखो ये नोज से मुंह से नोज से मेनली एयर इन हो रहा था, बट जब ट्राकियोस्टोमी ट्यूब कर दिया गया है तब नोज से नहीं जा रहा है एयर, तब उस थ्रू स्टोमा से एयर इन एंड एयर आउट हो रहा है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हो रहा है. ठीक है, ये है ट्राकियोस्टोमी ट्यूब होने के पहले होने के बाद, ट्राकियोस्टोमी होने से पहले और होने के बाद. ओके, लास्ट इज द केमोथेरापी. केमोथेरापी इज अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस ड्रग टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल, आइदर बाई किलिंग द सेल्स और बाई स्टॉपिंग द सेल्स फ्रॉम डिवाइडिंग. डॉक्टर में सजेस्ट वन ड्रग और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग. द ड्रग्स फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंग्स आर यूजुअली गिवन बाई इंजेक्शन इन टू द ब्लास्टिंग. द ड्रग एंटर द ब्लास्टिंग एंड ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी एंड द वे द केमोथेरापी इज गिवन डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड स्टेज ऑफ द कैंसर बींग ट्रीटेड. तो सबको बताया केमोथेरापी क्या है. केमोथेरापी एक ड्रग का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और एक स्पेसिफिक ड्रग भी हो सकता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है. और वो ड्रग क्या करता है, कैंसर सेल का ग्रोथ को बंद कर देता है और कैंसर सेल को आइदर कैंसर सेल को ग्रोथ को बंद कर देता है और उसके डिविजन को बंद कर देता है और कैंसर सेल को किल कर देता है. ठीक है, वो मेनली हम लोग आई वी रूट से देते हैं कैंसर केमोथेरेपी का ड्रग, थ्रू ब्लास्टिंग में वो ड्रग दे देते हैं और ड्रग जाके स्पेसिफिक जहाँ पे ट्यूमर है कैंसर है वहाँ पे जाके काम करता है. ठीक है, केमोथेरेपी इज यूज टू ट्रीट लैरिंजियल कैंसर इन सेवरल वेज, बिफोर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी. तो केमोथेरेपी क्या करता है, बिफोर सर्जरी और बिफोर रेडिएशन हम लोग दे सकते हैं और आफ्टर सर्जरी और आफ्टर रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं. और इंस्टीड ऑफ सर्जरी, केमोथेरेपी में बी यूज विथ रेडिएशन थेरेपी इंस्टीड ऑफ सर्जरी. द लैरिंग्स इज नॉट रिमूव एंड द वॉइस इज स्पेयर्ड. तो कभी कभी केमोथेरेपी सर्जरी के इंस्टीड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो तभी हम लोग ए है केमोथेरेपी का काम. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. I think this video is very helpful to you all. Please watch this video and make the notes also. And also check the description box which will help you to understand some important terminology. Thank you for watching.